हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का 11th लेक्चर है। हमने शुरू करी है रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फ्लक्सनैलिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया था। कुछ लिगेंड फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर, और वहाँ पर हमने H1 NMR सिग्नल्स के बारे में देखा था। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी बड़े सारे। शुरू करते हैं आज रिएक्शन की प्रैक्टिस के साथ। फर्स्ट रिएक्शन के साथ शुरू करते हैं। देखने से तो आपको लगेगा कि ये वाली रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं, बट देखो यहाँ पे मैंने कुछ नया स्टेप ऐड किया है, वो आप ध्यान से देखना। Mn2CO10 की रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ, मेटलेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट स्टेप तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, मेटलेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ये एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और बेस की तरह भी, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे। फर्दर रिएक्शन हो रही है एलाइल क्लोराइड के साथ, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है एलाइल क्लोराइड के साथ, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कुछ ऐसा। CO5 आ गया और 1, 2, 3 थ्री कार्बन हैं, तो ये हमने थ्री कार्बन लगा दिए, ठीक है। कार्बन एटम अच्छे से काउंट करके लगाना, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मिस्टेक होती है। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है। आज से पहले हमने क्या रिएक्शन करी थी कि आपको फर्दर हीटिंग कंडीशन दी हुई होगी। हेप्टासिटी 1 से हेप्टासिटी 3 में चेंज हो जाती है, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म होता है। बट यहाँ पे अब आपको दिया हुआ है एसिड HCl, HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ करो। एल्कीन दी हुई है, HCl दिया हुआ है, एल्कीन की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी कहीं ना कहीं पे। ये वाली एल्कीन जो है वो आइसोलेटेड एल्कीन है, आइसोलेटेड एल्कीन है, और आइसोलेटेड एल्कीन एक्ट करेगी न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी। यहाँ से H पॉजिटिव ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी और आपके पास MnCO5 तो वैसे ही रहेगा, कार्बोकेटाइन की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया कार्बोकेटाइन। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन भी मिल सकता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी मिल सकता है, पर हमें पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये स्टेप ध्यान से देखना। इसके बाद क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे भी हेप्टासिटी इंक्रीज होगी, बट हेप्टासिटी 1 से हेप्टासिटी 2 में इंक्रीज होगी, ठीक है। ये आगे CH3 वैसे ही रहेगा यहाँ पे। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए, ठीक है। तो होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये आ गया आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन ध्यान से देखना, यहाँ तक आप इजिली कर पाओगे, बट इसके बाद HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, आइसोलेटेड एल्कीन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी, कैटाइन की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद हेप्टासिटी 1 से हेप्टासिटी 2 में यहाँ पे कन्वर्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप की रिएक्शन देख लेते हैं अब एक और। WCO6 है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, रिफ्लक्स कंडीशन दी हुई है, हाई टेम्परेचर है और आपसे ए प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ए प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे ये CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आपके पास दी हुई है। तो शुरू करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, हीटिंग कंडीशन दी हुई है और आपके पास यहाँ पे लीगेंड दिया हुआ है। लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी यहाँ पे बाय SN1 मैकेनिज्म, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से। तो 1 by 1 एक CO बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पहले एक CO बाहर निकलेगा, एक एल्कीन के साथ बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर दूसरा CO बाहर निकलेगा, इस डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड फॉर्म होगा। हम स्टेप इकट्ठा ही लिख ले रहे हैं यहाँ पे, 2 CO बाहर निकलेंगे और आपके पास कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा आ जाएगा। हेप्टासिटी आ जाएगी यहाँ पे 4, ये आ गया हेप्टासिटी 4, यहाँ से 2 CO बाहर निकल गए हैं और 4 CO बचे हुए हैं, ठीक है। अब ये हेप्टासिटी 4 है,
तो यहाँ पे मेटल के ऊपर कितना चार्ज आएगा ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? हेप्टासिटी 4 है, इवन नंबर ऑफ हेप्टासिटी है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और इस मेटल के ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पे होगी एगोस्टिक इंटरैक्शन, एगोस्टिक इंटरैक्शन होगी। और आपके पास, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक CO बाहर निकल जाएगा, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म ही होगा यहाँ पे भी। और यहाँ पे हेप्टासिटी 4 से हेप्टासिटी 5 में कन्वर्जन होता है, CO आ गया, CO आ गया, और मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे, मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। नेगेटिव केमिकल शिफ्ट मिलेगी इसके लिए, और यहाँ पे पॉजिटिव केमिकल शिफ्ट मिलेगी इसके लिए। डेल्टा वैल्यूज यहाँ पे आपको दो सिग्नल्स मिलेंगे जिनकी इंटेंसिटी की रेशो होगी 5:1। यहाँ तक हम अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर रिफ्लेक्स कंडीशंस दी हुई है, हाई टेम्परेचर है, मेटल हाइड्राइड बॉन्ड उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, डाइमराइजेशन होती है, कलरलेस गैस बाहर निकलती है, डाइमराइज्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, W आ गया, यहीं पे लिख रही हूँ, यहाँ पे W आ गया, डाइमराइज्ड प्रोडक्ट 2CP है, ये 2CP आ गया आपके पास। उसके बाद 3 कार्बोनिल, ये हमने वैसे ही लिख दी 3 कार्बोनिल, यहाँ पे भी आपके पास 3CO है, ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सारे कार्बोनिल टर्मिनल कार्बोनिल है, CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी 2100 से लेके 1860 तक होनी चाहिए, वही आ रही है सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पे अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो +1 आ रही है, +1 आ रही है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कम होगी, बैक बॉन्डिंग कम है तो यहाँ पे CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये हमने ए देख लिया। अब इसके बाद रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ, सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब मेटल मेटल बॉन्ड क्लीव होगा और यहाँ पे मेटलेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। ये W आ गया, ये आपके पास CP आ गया, और 3CO है वो हमने लगा दिए, ठीक है। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो भी टेली करते जाते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एक्स, इसकी वजह से -1। अब हेप्टासिटी ऑड है, मतलब एनाइनिक लिगेंड होगा ये, -1 आ गया, इज इक्वल टू -1 आ गया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0, 0 आ रही है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रही है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी है। 1860 CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी दी हुई है आपके पास, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये आ गया आपके पास बी प्रोडक्ट, एंड रिएक्शन हो रही है एलाइल क्लोराइड के साथ। अब वही वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, एंड यहाँ पे आपको अगेन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा। ये आ गया W, यहाँ पे आ गया CO, 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 एंड यहाँ पे ये आ गया, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद ये आ गया आपके पास C कॉम्प्लेक्स, इसके बाद रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, एल्कीन है, आइसोलेटेड एल्कीन है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी और ये H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हमें कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, ये आ गया,
थ्री सी ओ है वो वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे कैटाइन की फॉर्मेशन हुई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हेप्टासिटी इंक्रीज होगी, ये वाले बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पे आपको कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा CO3। ये आगे CO3, ठीक है। इसके बाद हेप्टासिटी इंक्रीज हुई है, CH3 वैसे ही रहेगा, होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए, ठीक है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, एसिड के साथ रिएक्शन कैसे हो रही है। यहाँ पे हेप्टासिटी आपकी इंक्रीज हो रही है ETA 1 से, ये ETA 2 की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आप, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर CSIR नेट में पूछा गया है, 2018 में आई थिंक ये पूछा गया था। रिएक्शन हो रही है FeCO5 की, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे लीगेंड दिया हुआ है, लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बाय डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। अगेन यहाँ से क्या होगा, 2CO बाहर निकल जाएंगे, हम सीधा A कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं, 2CO 1x1 बाहर निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको हेप्टासिटी 4 मिल जाएगी, ये आ गया आपके पास हेप्टासिटी 4, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए, ये आ गया आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर, अगर आपके पास टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो कंसीडर करो एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे आपको 2 सिग्नल्स मिल रहे हैं। रूम टेम्परेचर है मतलब फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा, फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेगा तो सिस ट्रांस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, ये दोनों हाइड्रोजन कोलैप्स हो जाएंगे, फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करेंगे जिसकी वजह से ये चारों हाइड्रोजन एक ही सिग्नल देंगे, इसको ए ए ए ए लिख लो, और ये दोनों हाइड्रोजन सेम सिग्नल देंगे क्योंकि यहाँ पे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 सिग्नल्स मिल गए एट रूम टेम्परेचर। ये थोड़ी सी ज़रा खिचड़ी होगी, इसको डिलीट कर लेते हैं हम। ये आ गया आपके पास 2 सिग्नल्स मिल गए एट रूम टेम्परेचर H1NMR स्पेक्ट्रम में। अब फर्दर रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, रिएक्शन हो रही है HCl के साथ। अब यहाँ पे क्या वेरिएशन देखने को मिलती है, अब ये वाली एल्कीन कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है, मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड है, आइसोलेटेड एल्कीन नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हेप्टासिटी डिक्रीज होगी, यहाँ पे ETA 4 से ये ETA 4 से ETA 3 में कन्वर्जन होगा। कैसे हो रहा है, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कैसे हो रहा है कि Fe, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही आएगी, हेप्टासिटी 4 है, इवन नंबर ऑफ हेप्टासिटी है, न्यूट्रल लिगेंड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में ये क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है तो H पॉजिटिव ले लेगा मेटल हाइड्राइड बॉन्ड, बट ये वाला कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हाईली अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख सकते हो आप, हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अनस्टेबल है तो क्या होगा, ये जो कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है, अब याद रखना जो कोऑर्डिनेटेड एल्कीन होगी, जैसे आपके पास मेटल है और ये कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है, ये एक्ट करेगी इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और जो आइसोलेटेड एल्कीन होती हैं, जैसे आपके पास कुछ इस टाइप के एल्कीन है, ये आइसोलेटेड एल्कीन है, ये क्या है आपके पास कोऑर्डिनेटेड एल्कीन और ये आइसोलेटेड एल्कीन है। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड एल्कीन होगी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी, और ये जो आइसोलेटेड एल्कीन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी। अब यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटेड एल्कीन दिख रही है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगी एंड हाइड्राइड की एब्स्ट्रैक्शन होगी, ETA 4 से ETA 3 में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हेप्टासिटी डिक्रीज हो रही है, ETA 3 में कन्वर्जन हो जाएगा, बाकी तो सब वैसे ही रहेगा,
और स्टेबलाइजेशन के लिए जो Cl नेगेटिव प्रेजेंट है वो यहाँ पे आके कोऑर्डिनेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ईटा 3, 3+8+1+6, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। और अगर हम सिग्नल्स देखें, एट रूम टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, 1, 2, 3, 4 सिग्नल्स आपको मिलेंगे H1 NMR स्पेक्ट्रम में। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका 2018 में आया हुआ था, ठीक है। सो इस टाइप के एग्जांपल से हमें पता चल गया कि जहाँ पे भी कोऑर्डिनेटेड एल्कीन मिलेगी आपको, रिएक्शन हो रही होगी एसिड के साथ तो हेप्टेसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसे ये दो एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे हेप्टेसिटी 6 आ रही है इस एग्जांपल में, एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, एल्कीन कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है तो हेप्टेसिटी डिक्रीज होगी, हेप्टेसिटी 6 से 5 में कन्वर्जन होगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आ गया MO, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, बाकी तो फर्दर आप रिएक्शन कर सकते हो जो भी कंडीशन दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हेप्टासिटी 6 से हेप्टासिटी 5 में कन्वर्जन हो रहा है, लाइकवाइज यहाँ पे भी हेप्टासिटी 6 है, कोऑर्डिनेटेड एल्कीन है, एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे भी जो इंटरमीडिएट मिलेगा वहाँ पे हेप्टासिटी डिक्रीज होगी। अब जो कल हमने कॉन्सेप्ट किया था NMR स्पेक्ट्रम से कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, कहाँ पे पॉजिटिव आएगी कहाँ पे नेगेटिव आएगी, उसी को ही थोड़ा आगे डिटेल में करते हैं अब, ठीक है। ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे आएगी और नेगेटिव कहाँ पे आएगी। तो मैंने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही आपको बताया था कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कैसे हो सकती है। एक बार हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, मेटल हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कुछ ऐसे भी हो सकती है एंड मेटल हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कुछ ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। अब ये इसको बोलोगे आप डाई हाइड्रोजन एंड फॉर्मल चार्ज यहाँ पे ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसको बोलोगे डाई हाइड्राइड, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखो ब्रैकेट दी हुई है, मतलब ये कुछ ऐसे होगा, H ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बॉन्डिंग होगी और यहाँ पे ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग कुछ ऐसे होगी, ठीक है। मेटल हाइड्राइड बॉन्ड जहाँ पे दिख गया वहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी नेगेटिव, ठीक है, और इसके केस में केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड आउट कर सकते हो मेटल की, सारे न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल है अब, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ज़ीरो, और इसके केस में यहाँ पे -1, -1 और -1, -1 की वजह से मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन केमिकल शिफ्ट। ये पता चल गया कि कहीं पे भी आपको मेटल हाइड्राइड बॉन्ड दिखेगा वहाँ पे डेल्टा वैल्यू नेगेटिव में होगी, मतलब लो वैल्यू होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो है, ये पता चल गया हमें। बट अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए होंगे, सब में मेटल हाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू का हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, फैक्टर्स हम देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर आता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, सेकेंड आता है नेचर ऑफ लिगेंड, थर्ड आता है बॉन्ड लेंथ। 1 by 1 डिटेल में हम तीनों को पढ़ते हैं। तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, सर जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, देखो कि जो भी आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें वेरिएशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सब में और तो सब कुछ सेम ही है, ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज दिया हुआ है ये वेरी कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम फाइंड आउट करें, फर्स्ट ए कॉम्प्लेक्स की फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे एक्स न्यूट्रल लिगेंड है तो ज़ीरो, यहाँ पे -1 = +1, ये +1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2। यहाँ पे अगर देखोगे आप फाइंड आउट करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। सी के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0, डी के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी -1, ठीक है। अब यहाँ पे आई आर एच और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फर्स्ट के केस में +2 है,
ये लिख लो, आई आर एच सेकेंड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, थर्ड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है एंड फोर्थ के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन है। जहाँ पे प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेंसिटी लेस होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है मतलब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यही हमने बोला था ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होती है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू नेगेटिव में आती है, मतलब लो आती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आप इजीली ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, केमिकल शिफ्ट वैल्यू का ऑर्डर क्या आएगा, बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, देन आपके पास ए की वैल्यू आएगी क्योंकि ये भी इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, उसके बाद आपके पास ए आ जाएगा, उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे सी आएगा, देन आपके पास डी आएगा क्योंकि डी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम खींचेगा, ठीक है, कम खींचेगा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इन सब के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी तो डेल्टा वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है, ये ऑर्डर हमने लिख लिया। नेक्स्ट अब हम ये आपके पास देखो वेरिएशन क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स आ रहे हैं, बाकी तो सब सेम ही है। और तो यहाँ पे आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, मेटल है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी, लेस है तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मोर आएगी, ठीक है। अब देख लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसकी ज़्यादा है, पीएफ थ्री की सबसे ज़्यादा होगी तो इसको हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ बोल देते हैं, तो थर्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, यहाँ पे ऑर्डर लिख लेते हैं हम, थर्ड का ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, देन आपके पास ये फोर्थ आ जाएगा, देन आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है मतलब इसकी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम है, कम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा तो डेल्टा वैल्यू लो होगी, ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा एंड देन आपके पास सेकेंड आ जाएगा, ये ऑर्डर आ गया केमिकल शिफ्ट वैल्यू का। इसके बाद कॉन्सेप्ट लगाना है हमें बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, बस ये बात याद रख लो कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है वैसे ही डी शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, डी शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि डेल्टा वैल्यू ज़्यादा आएगी, ये डाउनफील्ड रीजन में जाएगा, डाउनफील्ड रीजन में जाएगा मतलब मोर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएगा मतलब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके पास फेरोसिन है, सी पी आ गया, ये अब सेंट्रल एटम ही वेरी कर रहे हैं, लिगेंड तो सेम ही है यहाँ पे, और जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है यहाँ पे साइज भी इंक्रीज होगा, फिरुओस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है तो साइज भी इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो डेल्टा वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसको ए मान लो, बी एंड सी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सी में सबसे ज़्यादा मिलेगी, देन आपके पास डी आ जाएगा, देन आपके पास सॉरी बी आ जाएगा, देन आपके पास ए आ जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ से क्या मतलब है, ये सेंट्रल एटम एंड सीपी के बीच का बॉन्ड, जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा ये बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी
और डेल्टा वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे कंपैरिजन के लिए एक और ऑप्शन भी दिया जा सकता है आपको, ये आपके पास दिया हुआ है हाफ सैंडविच टाइप कॉम्प्लेक्स। कार्बोनिल लीगेंट है, कार्बोनिल लीगेंट है, पाई एक्सेप्टर लीगेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगी। अब ये जो मेटल है ये डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ नहीं अटैच्ड है, डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ तो नहीं अटैच्ड है, बट कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है मोर डी शील्डिंग होगी, मोर यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम, डी शील्डिंग होगी मतलब मोर डेल्टा वैल्यू होगी, मोर डेल्टा वैल्यू होगी। और इस कॉन्सेप्ट को और कैसे देख सकते हो, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब ये वाली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा डेल्टा वैल्यू डी कॉम्प्लेक्स की आएगी, इसको ए बी सी डी मान लो। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस आए कंपैरिजन के लिए और 19 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस हों, तो ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड ये मोर डी शील्डेड होंगे, पैरामैग्नेटिक तो ये मोर डी शील्डेड होंगे, मतलब यहाँ पे मोर डेल्टा वैल्यू होगी, यहाँ पे मोर डी शील्डेड भी दिख दो। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेटल एल्काइल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, मेटल कार्बीन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कार्बाइन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन की रिएक्शंस क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। शुरू करते हैं मेटल एल्काइल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस के साथ। मेटल एल्काइल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस का क्या मतलब है, मेटल एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एल्काइल कोई भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल। मेटल कार्बीन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस का क्या मतलब है, जहाँ पे मेटल एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, इसमें मेनली हम फिशर एंड श्रॉक कार्बीन के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटल कार्बाइन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस का क्या मतलब है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे मेटल एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मेटल एल्काइल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस के साथ शुरू करते हैं, इनकी फॉर्मेशन रिएक्शन के साथ शुरू करते हैं, फॉर्मेशन रिएक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, फॉर्मेशन दूसरी 1-2 इंसर्शन रिएक्शन हो सकती है। एग्जांपल देखेंगे हम थोड़े थोड़े यहाँ पे, Mn2CO5 की रिएक्शन, सॉरी 10 की रिएक्शन, सबसे पहले अगर हम सोडियम के साथ कराते हैं तो आपको मेटलेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे MnCO5 मिल जाएगा नेगेटिव। अब इसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है एंड रिएक्शन हो रही है मिथाइल आयोडाइड के साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, आई नेगेटिव बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पे MnCH3 मेटल एल्काइल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पे मेटल एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है, और इस बॉन्ड की फॉर्मेशन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में, ये देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड मेटल के dz² ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शंस है 1-2 इंसर्शन रिएक्शन, इन रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर जो भी लेक्चर्स आएंगे, अभी थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दूंगी, ठीक है। 1-2 इंसर्शन रिएक्शन में सबसे पहले कंडीशंस क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स क्या होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मेटल के साथ कोई सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, H की जगह पे CH3 भी आ सकता है, मिथाइल भी आ सकता है, इथाइल भी आ सकता है, ठीक है, सिग्मा डोनर एंड ब्यूटाइल भी आ सकता है, यहाँ पे सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए और मेटल के साथ एल्कीन अटैच्ड होनी चाहिए, ठीक है। सो ये कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन कोई मॉलिक्यूल फुलफिल कर रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स फुलफिल कर रहा है, तो वहाँ पे 1-2 इंसर्शन रिएक्शन हो सकती है। अब 1-2 इंसर्शन रिएक्शन में क्या होगा कि ये हाइड्राइड यहाँ पे चला जाएगा एंड आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा कुछ ऐसा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे कन्वर्जन हो जाता है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में, CH2, CH3, LN लिगेंड प्रेजेंट है,
यहाँ पे एक वेकेंट साइट मिलेगी, अनसेचुरेटेड साइट मिलेगी, और ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती मेटल की। यहाँ पे देखो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -1 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही आएगी, तो ये भी ध्यान रखना। 1-2 इंसर्शन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है मेटल की। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे हम। ये एग्जांपल है, देखो सबसे पहले कंडीशंस फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखना होगा, हमें चेक करना होगा। 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो। इसके बाद एल्कीन प्रेजेंट है, एल्कीन कोऑर्डिनेटेड है मेटल के साथ, और मेटल के साथ लगा हुआ है एक सिग्मा डोनर लिगेंड, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये यहाँ पर चला जाएगा एंड 1-2 इंसर्शन रिएक्शन होगी, CD3 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे CP है वो वैसे ही रहेगी, एंड यहाँ पे आपके पास CD3 है। अब आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, ये आ गया आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, एक वेकेंट साइट आपको मिल जाएगी, यहाँ पे एक वेकेंट साइट मिल जाएगी, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +3, एंड यहाँ पे भी देखो -1 +3 ही आ रही है। अब ये जो रिएक्शन है इनको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है, विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन देख लेते हैं आप, ये इंटरमोलिकुलर 1-2 इंसर्शन रिएक्शन है। यहाँ पे एल्कीन डायरेक्टली मेटल के साथ नहीं अटैच्ड है, एल्कीन के साथ रिएक्शन हो रही है, एल्कीन की इंसर्शन होगी इस COH बॉन्ड में, और आपको कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा CO4CO। यहाँ पे एल्कीन की इंसर्शन हो रही है CH2CH2, और यहाँ पे आप H लिख सकते हो या डायरेक्टली CH3 भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन देख लो, CH2N2, तो यहाँ पे CH2 की इंसर्शन होगी इस बॉन्ड में, और आपको कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, CO4 आ गया CO CH3, ठीक है। 1-2 इंसर्शन रिएक्शन के बारे में और 1-1 इंसर्शन रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेनली हमें यहाँ पे करना है मेटल कार्बीन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कार्बीन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक स्पीसीज हैं जहाँ पे कार्बन के सराउंडिंग में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह की कॉम्प्लेक्सेस होंगे। यहाँ पे इसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये कैसे प्लेस हैं, इसके अकॉर्डिंग कार्बीन को 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें अगर एग्जांपल देखो तो CH2 आ सकता है, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है, मतलब हाईली अनस्टेबल है तो हाईली रिएक्टिव होगी। यहाँ पे Cl भी आ सकता है, Cl आ सकता है, ठीक है। कार्बीन को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक सिंगलेट कार्बीन, नेक्स्ट ट्रिपलेट कार्बीन। अब ये नाम कैसे रखे गए हैं, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग नाम रखे गए हैं। अगर हम सिंगलेट कार्बीन का स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, और अब ये जो सिंगलेट कार्बीन में ये जो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ट्रिपलेट कार्बीन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं अनपेयर्ड फॉर्म में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अब आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करें, ms की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2s+1 = 1 आएगा। s की वैल्यू क्योंकि 0 है तो 2s+1 1 है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं। यहाँ पे ms की वैल्यू 1/2 + 1/2 1 आएगी। ms की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वजह से हाफ 1 आ रही है, मतलब टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी यहाँ पे 3, इसीलिए इसको हम ट्रिपलेट कार्बीन बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर लो। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, ठीक है।
इसके केस में आपको टू सिग्मा बॉन्ड्स मिल रहे हैं, वन लोन पेयर मिल रहा है, इसके केस में टू सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं और टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब दिस इज ई एस आर एक्टिव स्पीसीज, ये सार एक्टिव होगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये ई एस आर इनएक्टिव होगा। ठीक है, दिस इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये आ गया आपके पास डायमैग्नेटिक, एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन को, इससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। सिंगलेट कार्बीन के केस में देखो, टू सिग्मा बॉन्ड है, वन लोन पेयर है, मतलब स्टीरिक नंबर आ रहा है थ्री, थ्री स्टीरिक नंबर आ रहा है, थ्री ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। ट्रिपलेट कार्बीन के केस में अब यहाँ पे हमें टू सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं, एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, टू सिग्मा बॉन्ड की वजह से स्टीरिक नंबर टू ही आएगा, टू ऑर्बिटल होंगे इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन sp आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं आप सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन को। तो बस आपको क्या देखना है कि x अगर कोई हेट्रो एटम है, x ओ एम ई हो सकता है, फिर x आपके पास ओ एच हो सकता है, या फिर आपके पास एन एच टू हो सकता है, या फिर एस एच हो सकता है, या फिर आपके पास क्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन आए, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे कोई भी हेट्रो एटम अगर आपको दिख गया, दैट मीन ये कौन सी कार्बीन है, ये होगी आपके पास सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन के केस में आर सिग्मा डोनर होंगे, ठीक है, तो ये क्या होंगे, सिग्मा डोनर, मतलब एच हो सकता है सी टू एच फाइव हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, या फिर पीएच हो सकता है। ट्रिपलेट कार्बीन इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो अब आप। नेक्स्ट, विच कार्बीन इज स्टेबल, ट्रिपलेट कार्बीन स्टेबल होगी या सिंगलेट कार्बीन स्टेबल होगी, तो स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर से हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंगलेट कार्बीन के केस में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन के केस में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, लेस रिपल्शन होगी, मतलब मोर स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। कौन से कार्बीन की बात कर रहे हैं, ट्रिपलेट कार्बीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम हुंट्स रूल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं स्टेबिलिटी। हुंट्स रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी मोर आती थी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती थी, उसको हम एज अ ग्राउंड स्टेट कंसीडर करते थे। ग्राउंड स्टेट मतलब लेस एनर्जी, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी मतलब मोर स्टेबल। तो इसलिए इजीली आप बोल सकते हो कि ट्रिपलेट कार्बीन मोर स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, अब हमें आइडेंटिफाई कर लिया तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिफाई सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन जहाँ पे भी हेट्रो एटम आपको दिखा, ये आ गया हेट्रो एटम, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये आ गया, ये आ गया, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, सिंगलेट कार्बीन के एग्जांपल हैं, और ये दोनों ट्रिपलेट कार्बीन के एग्जांपल हैं, सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट है, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच कार्बीन इज ई एस आर एक्टिव, ई एस आर एक्टिव कौन सी कार्बीन होती है, ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो बस यहाँ पे हमें देखने हैं कि ट्रिपलेट कार्बीन के एग्जांपल कौन से हैं, ये आपके पास ट्रिपलेट कार्बीन है, ये आपके पास ट्रिपलेट कार्बीन है, बाकी तो सब में हेट्रो एटम प्रेजेंट है, मतलब ये वाले तो ई एस आर एक्टिव नहीं होंगे, ये दोनों ई एस आर एक्टिव होंगे।
यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर मैग्नेटिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करते हैं, मेटल कंटेनिंग कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे कार्बिन एज अ लीगेंड प्रेजेंट है। कार्बिन अगर एज अ लीगेंड प्रेजेंट है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, कार्बन टू बॉन्ड फॉर्म हो गए, बाकी इसके पास बचे टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये टू इलेक्ट्रॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, चाहे सिंगलेट कार्बिन हो चाहे ट्रिपलेट कार्बिन हो। मेटल कंटेनिंग कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, और फिशर कार्बिन एंड श्रोक कार्बिन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। फिशर कार्बिन एंड श्रोक कार्बिन को आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, डिफरेंस जब हम दोनों टॉपिक को डिटेल में पढ़ लेंगे तो अच्छे से मैं कराऊंगी। अभी क्या ये बात याद रखो कि फिशर कार्बिन में सिंगलेट कार्बिन होगा, सिंगलेट कार्बिन होगा, और यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन होगा, ट्रिपलेट कार्बिन होगा। सिंगलेट कार्बिन मतलब कार्बन के साथ कोई हेटरोटम अटैच्ड होगा। फिशर कार्बिन के साथ शुरू करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ शुरू करेंगे। यहाँ पे कोई आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है मतलब यहाँ पे हो सकता है Cr, MO या फिर W, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्लस 12 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हो गया। रिएक्शन हो रही है RLi के साथ। अब इससे पहले एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं हम कि जो टर्मिनल कार्बोनिल होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं एंड ब्रिजिंग कार्बोनिल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, मेटल है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, टर्मिनल कार्बोनिल है मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हो, CO5 आ गया एंड यहाँ पे CO आ गया। तो न्यूक्लियोफाइल आपके पास R है, R नेगेटिव यहाँ पे अटैक हो सकता है यहाँ पे, और A आपको क्या मिल जाएगा, MCO5 यहाँ पे आ गया आपके पास, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे R आ गया। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए, यहाँ पे मेटल के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और मेटल के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे टोटोमराइजेशन भी हो सकती है, ठीक है। टोटोमराइजेशन होने के बाद आपको कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CO5 वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे कार्बन आ गया, O नेगेटिव आ गया एंड उसके बाद R। फर्दर रिएक्शन हो रही है BF4 नेगेटिव OMe3 पॉजिटिव के साथ। अब ये है मिथिलेटिंग एजेंट, ठीक है, ये क्या है, मिथिलेटिंग एजेंट OMe3 पॉजिटिव। सो यहाँ से Me3 आ जाएगा एंड जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, M आ गया, CO5 आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मेटल डबल बॉन्ड कार्बन, OME आ गया और यहाँ से ईथर बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पे आपके पास कोई R ग्रुप दिया हुआ है, मेटल डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन के साथ कोई हिट्रो एटम अटैच्ड है, ये आ गई आपके पास फिशर कार्बिन। ये फिशर कार्बिन की प्रिपरेशन हमने देख ली। मिथिलेटिंग एजेंट और भी हो सकते हैं, और कौन कौन से हो सकते हैं, CH2N2 हो सकता है, MeO, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O CFE, CF3, ये मिथिलेटिंग एजेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब प्रॉपर हम रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे सेम मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, Cr, CO5 आप वैसे लिखो, ये वाला CO इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, pH न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, pH नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे अटैक होगा और आपको A मिल जाएगा कुछ ऐसा, Cr, CO5 आ गया यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे pH आ गया। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे टोटोमराइजेशन होगी, CrCO5, CO5 डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव आ गया, मिथिलेटिंग एजेंट है फर्दर दिया हुआ आपके पास, तो ये क्या करेगा, यहाँ से Me ले लेगा एंड फिशर कार्बिन की फॉर्मेशन हो जाएगी, CrCO5
डबल बॉन्ड सी ओ एम ई आ गया एंड यहाँ पे पी एच आ गया। ओ एम ई है कार्बिन हिट्रो एटम के साथ अटैच्ड है और यहाँ पे मेटल डबल बॉन्ड कार्बन मिल रहा है। मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। फिशर कार्बिन की करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे डिटेल में, बस अभी थोड़ा सा देख लो कि यहाँ पे देखो मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए और मेटल अटैच होना चाहिए पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ। कार्बिन का जो कार्बन है वो अटैच होना चाहिए डोनर लिगेंड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देख लेते हैं सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे हम। ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, मेटल कार्बोनाइलेट कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे ये Br के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, मेटल हैलाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। आपको A कुछ ऐसा मिल जाएगा, Br आ गया एंड यहाँ पे CO5 है, ये भी आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आएगा। उसके बाद फर्दर रिएक्शन हो रही है, ओ नेगेटिव यहाँ पे दिया हुआ है बी आर, ओ नेगेटिव है मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे ये सारे कार्बोनिल तो टर्मिनल कार्बोनिल ही है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया इसको जैसे प्रीवियस रिएक्शन करी थी। अब ये अटैक यहाँ पे होगा और प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, आर ई सॉरी इंटरमीडिएट मिलेगा, अभी तो CO4 आ गया यहाँ पे, ये CO4 आ गया एंड फर्दर यहाँ पे C होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा O एंड यहाँ पे आ गया आपके पास O और 1-2 कार्बन है तो यहाँ पे आ गए 2 कार्बन। उसके बाद ये Br आ गया, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ही आना चाहिए, तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन कर रहे हैं, ये वाले लिगेंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगी टोटोमराइजेशन हो सकती है, टोटोमराइजेशन होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे अब आपको Br मिल गया, ये तो वैसे ही रहा, CO4 है ये वैसे ही रहा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास कार्बन आ गया, यहाँ पे ये O नेगेटिव है, यहाँ पे O ऑलरेडी है, दो कार्बन है एंड देन ये आ गए दो कार्बन और यहाँ पे Br है, ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और Br बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे किसी भी मिथिलेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी है, फिशर कार्बिन की फॉर्मेशन होगी, CO4 मेटल डबल बॉन्ड कार्बन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, 1-2 कार्बन है तो ये आ गया, ठीक है। कार्बन हिट्रो एटम के साथ अटैच है, यहाँ पे मेटल डबल बॉन्ड कार्बन मिल रहा है, मेटल के साथ पाई एक्सेप्टर लिगेंड अटैच्ड है, मतलब ये आपके पास फॉर्मेशन होगी फिशर कार्बिन की, फिशर कार्बिन मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, ठीक है। थर्ड टाइप की प्रिपरेशन देख लेते हैं अब। Cr CO5 2 नेगेटिव दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, मेटल कार्बोनाइलेट कॉम्प्लेक्स है। अब हमें देखना है कि ये अटैक यहाँ पे भी कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बट मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसी स्पीसीज आ जाएगी, CrCO5 तो वैसे ही रहेगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया, CO आ गया एंड 1-2-3-4 कार्बन है, 1-2-3-4 कार्बन हमने लगा दिए, यहाँ पे Cl है। अब अगेन यहाँ पे टोटोमराइजेशन हो सकती है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CO5 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे आ गया आपके पास Cr एंड यहाँ पे आ जाएगा मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ गया O नेगेटिव, उसके बाद 4 कार्बन है, 1-2-3-4 कार्बन आ गई है,
अच्छे से ड्रॉ करती हूँ थोड़ा सा, 1, 2, 3, 4 कार्बन आ गए एंड यहाँ पे Cl है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपको कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलेगा Cr CO5 आ गया, मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, 1, 2, 3, 4 कार्बन है, तो 1, 2, 3, 4 कार्बन हमने लगा दिए, ये आपके पास कार्बीन आ गई, सिंगलेट कार्बीन आ गई, ठीक है, सिंगलेट कार्बीन है, मेटल कार्बन के साथ अटैच्ड है डबल बॉन्ड के साथ एंड मेटल यहाँ पे पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ अटैच है, इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ये 6 + 10 कार्बीन है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगी, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब ये फिशर कार्बीन आ गया आपके पास, फिशर कार्बीन आ गया, ठीक है। सो ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो आपकी रेफरेंस बुक में दिए हुए हैं, ये हमने कर लिए अच्छे से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बॉन्डिंग के बारे में, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, बैक बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CO5 आ जाएगा एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया C, डबल बॉन्ड आ गया OME, ठीक है, पॉजिटिव आ गया एंड यहाँ पे PH आ गया। अब फर्दर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंपटीशन होता है। यहाँ पे 2 टाइप के बैक बॉन्डिंग आपको देखने को मिल रही है, एक कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में पी पाई बैक बॉन्डिंग देखने को मिल रही है और मेटल और कार्बन के बीच में डी पाई बैक बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंपटीशन होता है, पर हमें पता है ये जो पी पाई से बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, दोनों पी ऑर्बिटल हैं, सिमेट्री सेम है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है, और ये जो मेटल कार्बन डी पाई बैक बॉन्डिंग है, यहाँ से बैक बॉन्डिंग जो होगी उससे वीक बॉन्ड फॉर्म होगा। एक्सरे स्टडी से भी ये पता चला है कि जो मेटल टू कार्बन बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन टू ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग जो होगी, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आपको लेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करी जाए तो बॉन्ड ऑर्डर मेटल और कार्बन का 1 to 2 के बीच में होगा, रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम फिशर कार्बीन की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। करेक्टरिस्टिक में क्या है, सबसे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक कि 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और फिशर कार्बीन जो मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। फिशर कार्बीन सिंगलेट कार्बीन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फिशर कार्बीन में कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। अब कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर क्यों है, क्योंकि फिशर कार्बीन में मेटल अटैच होता है, मेटल मोस्टली अटैच होता है CO के साथ, पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ अटैच होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे जो मेटल टू कार्बन बैक बॉन्डिंग होगी, मेटल टू कार्बन बैक बॉन्डिंग होगी ये लेस होती है, ठीक है, ये लेस होती है क्योंकि इस इन पाई एक्सेप्टर लिगेंड की वजह से, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो जाता है। फिशर कार्बीन कार्बीन कार्बन अटैच टू पाई डोनर लिगेंड, सो यहाँ पे मैंने बताया है कि कोई हेट्रो एटम अटैच होगा, मतलब पाई डोनर लिगेंड के साथ अटैच होगा, OME आ सकता है, यहाँ पे PH आ सकता है, ठीक है। इन फिशर कार्बीन मेटल अटैच टू पाई एक्सेप्टर लिगेंड, यहाँ पे हमने देखा ही है जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं वहाँ पे मेटल अटैच्ड है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के साथ। पाई एक्सेप्टर लिगेंड स्टेबलाइज करते हैं फिशर कार्बीन को। फिशर कार्बीन शो पी पाई
पी पाई एंड पी पाई डी पाई बैक बर्निंग, ये भी हमने देख लिया. करेक्टरिस्टिक्स तो आप खुद ही लिख सकते हो. अब पी पाई एंड डी पाई पी पाई बैक बर्निंग देखने को मिल रही है. आपको एक स्ट्रक्चर से ही सारी करेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हो, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. फॉलो करेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को. बॉन्ड एंगल होगा इन बिटवीन 1 to 2. हाइब्रिडाइजेशन होती है यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. अगर इस कार्बन की देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इस बॉन्ड की बात करें तो ये 2 center 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है. तो ये हमने फिशर कार्बिन की कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली. नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशंस करेंगे फिशर कार्बिन को, कि इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, अदरवाइज़ बहुत लंबा लेक्चर चला जाएगा. डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल. थैंक यू गाइज़.